प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले धनतेरस पर बेटियों के माताओं पिताओं को कन्या सुमंगला योजना के रूप में दिया तोहफा। हाथरस जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कन्या सुमंगला योजना के 273 लाभार्थी परिवारों को बांटे गए प्रमाण पत्र। आपको बता दें, शुक्रवार को दीपावली से पहले ही धनतेरस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से दीपावली का तोहफा बेटियों के माताओं पिताओं को दिया है। इसी कार्यक्रम में हाथरस शहर के मथुरा रोड पर स्थित जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कन्या सुमंगला योजना के 273 लाभार्थी परिवारों को बुलाकर भाजपा सांसद राजवीर दिलेर, सदर विधायक हरिशंकर माहौर, हाथरस जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार के साथ जिले के आला अधिकारियों ने कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रमाण पत्र दिए। हाथरस जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन को कन्या सुमंगला योजना के ऑफलाइन के माध्यम से 3004 करीब लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से आज योजना के लागू होने पर कन्या सुमंगला योजना के 273 लाभार्थी परिवारों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कन्या सुमंगला योजना का आज शुभारंभ हुआ है। हाथरस जिले में कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिला और कितने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र मिला? देखिए, हमारे जनसंख्या को 3400 लोगों ने लगभग आवेदन किए हैं। हमने इसके ऑफलाइन आवेदन करा है और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के माध्यम से जो ऑनलाइन आवेदन करा रहे हैं और उसकी फिर जो भी कंसर्न वीडियो है या DIO से उनके माध्यम से उसकी जाँच होती है और उन व्यक्तियों को ऑनलाइन ही उनके खाते में पैसा भेज करके इसका लाभ दिया जाता है। और आज हमने जनपद में प्रथम चरण में 273 लोगों का लाभ।